तुझे पता है गणेश, हमारे देश का ना एक अनऑफिशियल नेशनल क्रश है। क्या? मैगी। तो फिजिकल ताकत बहुत लग रही है ये। I knew it was gonna be difficult. Didn't think it was gonna be this difficult. एक बार बताओ, जब तुम लोग ये मैगी वाले वीडियो करते हो, मुझे क्यों नहीं बुलाते हो? आपने एक भी नहीं करी अभी तक? नहीं। वो 15 नूडल्स खरीदी तो थी, उसमें मैगी नहीं थी। अरे यार आकांक्षा जी, इसीलिए तो आज हम बनाने वाले हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी की पूरी 100 मैगी बनाएंगे। भाई ये बहुत मैगी, नर्क में जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। जब मैंने 12 मैगी बनाई थी ना, तो गोईठा बन गया था। सिंपल ये उपाय है, हाँ। कि तू ना असिस्ट कर। अरे मैं बहुत अच्छे से, बताओ अभी क्या करूं? अभी ना यहाँ से रोल करके पीछे चला जा, करता जा, करता जा। देखो बहुत सिंपल प्लान है, मैं वैसे लाइफ में बहुत दुखी हूँ, तो मुझे और नहीं रोना, प्याज आप काट लो, सब्जियां बाकी मैं काट लूंगा। तू ही चालू है यार, बाकी सब गधे हैं। सुन एक, ठीक है, तेरे को जो करना है कर, पर अच्छे सब्जियां काटना, क्योंकि ये हम एनजीओ के बच्चों को देने वाले हैं मैगी। ठीक है, हां लाओ। तो तू चाकू ऐसे ला, बाबा बंद कर। अरे तो कैसे लाओ ना यार, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरा हाथ कट जाएगा। वैसे नहीं करते कनिष्क, ऐसे काट देना। ओ भाई साहब, आपसे अच्छा खाना बनाता हूं मैं। उसी दिन कुक ऑफ में हारा था तू मेरे से। किस दिन? वो देसी डेजर्ट। मैंने काफी अच्छा बनाया था, जज वाज बायस। शिमला मिर्च 1 किलो है, बेल पेपर 1 किलो है, येलो वाला जो है येलो बेल पेपर वो भी 1 किलो है, प्याज हमारे पास 3 किलो है, टमाटर 3 किलो है। भाई आप तो क्या छीलते हो यार। यार पर ये छीलने में 3 किलो ना, रोना आ जाएगा मुझे। यार इसको ना मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ ताकि सुंदर लगे। ये कितना चालू आदमी, इसने सबसे मुश्किल काम मुझे दिया और मैंने हाँ भी बोल दिया। क्या बात कर रहे हो ब्रो, सबसे आसान काम है। देखो इतने सारे प्याज आप काट चुके हो ऑलरेडी। आकांक्षा आपने सबसे ज्यादा कितने लोगों के लिए खाना बनाया तक? 10-12 लोगों के लिए बनाया मैक्स। 2-3 बार ऐसा किया, फिर मुझे लगा वेस्ट ऑफ टाइम, जस्ट ऑर्डर फूड बिकॉज द पर्सन हु कुक्स कांट एंजॉय। जो कॉलेज में ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते थे ना, और मैं वही इंसान थी जिसको ग्रुप प्रोजेक्ट्स में ज्यादा काम करना पड़ता था। अच्छा? और अब भी मुझे वही फील हो रहा है फिर से। आज तक तूने फेवरेट सबसे बेस्ट डिश कौन सी पकाई है? सबसे अच्छी चीज क्या पकाई? मैं लज़ानिया बहुत अच्छा बनाया था बॉयज हॉस्टल में, लेकिन मैं हार गया था। यू कट 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 मत कर, उठ के कट कट। ब्रो मेरा हो गया। यार मैं बताऊँ, ये चक्कू इतना बर्बाद हो चुका है ना, कि इसके साथ टमाटर काटना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। चटनी बना दो टमाटर की। हो गया, अब मैं और टमाटर नहीं काटूंगी क्योंकि वो मैगी बहुत पिलपिली हो जाएगी। वो सारी सब्जियां हम इसलिए नहीं काट रहे हैं क्योंकि हमने टमाटर काट दिया तो सॉगी हो जाएगा, प्याज काट दिया तो प्याज डोमिनेट कर जाएगा। दिस इज द 20% ऑफ वर्क, अभी पकाना भी है तो वहां चलते हैं। तो हमारा प्लान बहुत सिंपल है, ये सारी मैगी के पैकेट है ये मैं फाड़ूंगा, जो मसाला है वो मैं फाड़ूंगा, जो यहाँ पे जो सब्जियां हैं उनको आप भूनेंगी जी, है ना? ग्रेट प्लान जी। चलो आकांक्षा जी, वेस्ट नहीं करते हैं टाइम क्योंकि सन जो है वो डाउनर पे जा रहे हैं। अबे यार कोई गैस ऑन कर दो यार। अरे भाई जब ऑन करो मुझे बताना, मैं तो भग लूंगा। जल गया आज। भाई ये एकदम छींटे मारेगा आकांक्षा जी। अरे भाई, ओ भाई, ये तो हवन बना दी। रुको, calm down, that's not a problem, calm down. यहाँ पे सिर्फ एक ही दिक्कत हो सकती है कि आग लग सकती है कढ़ाई में, वही हो गया है। And you are saying calm down. हाँ, गैस बंद कर दो। Guys, देखो बहुत सिंपल बात है, ये सब हम ना कर रहे हैं, मैं तो अपने काम में लगा हुआ हूँ। आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग ब्रिलियंट गाय। टेक्निकल डिफिकल्टीज विच आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट आउट, बट दिस एसहोल इज नॉट हेल्पिंग एट ऑल। डूड आई एम नॉट हेल्पिंग। ये
बैक आफ्टर मेजर टेक्निकल डिफिकल्टीज। आफ्टर मेजर टेक्निकल डिफिकल्टीज तो हमारे जो डीओपी है उन्होंने यहाँ पे लाइट भी लगा दी है, क्योंकि हमें पक्का यकीन है कि जब तक हमारी मैगी बनेगी तब तक सूरज पूरा अंदर जा चुका होगा और चंद्रमा जी निकल चुके होंगे। आकांक्ष लेफ्ट, शी लेफ्ट द फ्रेम, बट लुक एट मी, आई लेफ्ट द फ्रेम टू क्लीन एंड ड्राई अप द कढ़ाई, यू डिड नॉट, डोंट लाई, डू नॉट लाई आकांक्ष। सब्जियां डाल दो सारी, आग निकालेगी वो एकदम छपका मारेगी क्योंकि वो गीला है। डाल दो ध्यान से, दूर से दूर से। Hey, do not behave like that. हाँ, ये हुई ना बात, ये करो, ये तो एकदम मार दूंगी मैं तुझे। क्यों मार, मैं चलाऊं? आप छोड़ो, ये तो हटो। ये फिर से आग गया है, है। हट, छोड़ नहीं नहीं, I wanna do it. You want to have? कढ़ाई को थोड़ा टाइम लगता है हीट अप होने में। इसको आपको धीरे धीरे पकाना पड़ेगा भाई, वही सीन है। ये रात होनी है आज पकने में। रात तो हो ही जाएगी, 100 मैगी बहुत होती है भाई। ये अभी मुझे लगता है कितनी 50 मैगी भी नहीं फाड़ी होगी अभी तक मैंने भाई। मैं कनिष बताती हूँ, द मोमेंट इट लिट ऑन फायर, और ये कौन आदमी आपके पास जाता है भाई? This is for children, so I'm not gonna make it very tikha. बर्तन भी धुला दिया आज हमें सेट पे, वो भी छोटा मोटा बर्तन नहीं, कड़ा। I think मैं ना मटर अभी डाल दूंगी क्योंकि मटर पकने में टाइम लगता है। मटर डाल दो। हाँ, ये देखो, very beautifully, amazingly beautiful. ये क्या कर रहे हो? नमक डाल दी। यार मैंने सोचा था ना कि मैं बहुत कुकिंग करती हूँ तो बहुत इजी होगा, तो पहले आग लगी हमारे चूल्हे में, अभी सब कुछ ठीक जा रहा है, तो फिजिकल ताकत बहुत लग रही है मर्दे यहाँ से। Kudos to those people जो हर रोज इतना सारा खाना बनाते हैं, जैसे temples, गुरुद्वारास, community kitchens। सही में। Do you guys think I should increase the flame? No, not yet. पहले सुनो, पहले सारी सब्जी इसमें डाल लो, उसके बाद मसाला जब डालेंगे तब आप फ्लेम ऊपर कर देना। Trust me, एक बार मैगी बनाओ, उसमें कच्चा प्याज डालना और थोड़ा सा मैगी मसाला एंड नींबू, तुम भाई पगला जाओगे। आखिरी, फाइनली, दिस इज द लास्ट मैगी का पैकेट। इतने सारे पैकेट हो गए हैं, ये देखो। ओह, दिस लुक्स सो प्रीटी गाइस, इट लुक्स प्रीटी। ओह या, इट डज। मसाले फाड़े जा रहे हैं दोस्तों। वो कई लोग कच्ची मैगी खाते हैं। मैगी नहीं, वाई वाई कच्ची खाती हूँ। वाई वाई भी कच्ची खाते हैं, मैं तो मैगी भी कच्ची खाई है, खाद बार सही लगती है, नॉट बैड भाई। इसको चलाते रहो थोड़ा भाई, नीचे जल जाएगा पूरा। चला के दिखाते हैं तुमको। स्मेल सो हेवनली एंड लुक्स सो प्रीटी, वेरी वेरी नाइस। आई विश यू गाइस कुड स्मेल इट। सो वी एक्चुअली, हमने ना बहुत मिसकैलकुलेट किया कितना टाइम लगेगा इसको पकाने में। हमने सोचा था सुबह सुबह 2-3 घंटे लगेंगे, मैगी ही तो बनानी है। एक मैगी 2 मिनट में बनती है। अब शाम आ गए हैं, शाम। अब होता है मैगी के मसाले के अंदर क्या क्या जाता है। मैंने मैगी फ्रॉम स्क्रैच बनाई है, इसके अंदर 17-18 मसाले जानते हैं। MSG भी रहता है। MSG क्या होता है? अजीनोमोटो। अरे ये सब नहीं पता मुझे। मुझे लगता है ना अब हमें ना चेंज करना चाहिए। अब आप मेरे को असिस्ट करो, मैं कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात की गहराई। वो आकांक्षा फिर से आग लगाने गई है। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक, नहीं नहीं ये ठीक है, ये ठीक, ये ठीक है। आकांक्षा जी, Shut up man, I'm keeping a watch on the flame, I'm the flame watcher. दोस्तों बताइए, क्या मैं माला माल वीकली का बाजे लगता हूँ? दो मिनट रुक जाओ, सुनो अभी मत डालो। शिमला मिर्च डाल रही हूँ मैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप मैगी बनाते बनाते मैगी मसाले को थोड़ा चखे ना तो आप गधे हैं। जुबा केसरी। मसाला आपको इसके अंदर डालना है कि पानी के अंदर डालना है? वो भी कर सकते हैं। आई एम थिंकिंग लेट्स कुक इट लाइक ट्रेडिशनल मैगी, पानी के अंदर। पानी के अंदर डाल देना। हाँ, और फिर उसका मैगी डाल के फिर ये एंड में डाल देंगे, टॉपिंग की तरह मसाला डाल देंगे। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, तो अभी हमारा प्लान बहुत सिंपल है, हम अभी एक चम्मच ये खाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसके अंदर सब्जी में नमक ज्यादा होना चाहिए, क्या ज्यादा होना चाहिए, एंड उसके बाद हम इसको अकॉर्डिंगली थोड़ा मसाला ऐड करके निकाल देंगे। स्कूल में जब आपका पिकनिक होता था आप जाते थे क्या मैगी लेके?
मैं तो लेके जाता था भाई मैगी, और हमारा खाना वहीं रहता था, फेट वेट होता था हमारा, वो क्या बोलते हैं पॉटलक, पॉटलक होता था। सारे बच्चे अपने अपना खाना लेके जाएंगे फिर शेयर करेंगे। आई थिंक ये हो गया दोस्त, ये हमारा आखिरी मसाले का पैकेट एंड दिस गोज इन। वाओ, आई कैन मेक दिस सब्जी एट होम, जस्ट द सब्जी है ना। हां, इट्स वेरी नाइस। मतलब मेरे को पिछला बार नमक भी डाल के ऐड टेस्ट किया आपने? हाँ। अच्छा है, बस ये उतार दो, आप उतार दो। सो बेसिकली हमें मसाला बनाते बनाते ना शाम हो गई, तो अच्छी बात ये है कि एग्जैक्ट डिनर टाइम पे गरम गरम मैगी मिलेगी। ग्रेट प्लान। तो ये जो कढ़ाई है ये पूरी गरम हो चुकी है, अभी हम आपको स्टीम इंजन दिखाते हैं। कांचा जी थोड़ा हेल्प कर रही हूँ मैं। आह, नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, आंच को फुल कर दो आप, आपको दिक्कत थोड़ी है। तो एक एक नॉर्मल मैगी के अंदर 210 ml पानी जाता है, तो इसके अंदर 2100 ml, which is 21 liter. Now we just have to wait for the water to boil. Then we'll add masalu. Masalu. Pani, masalu, maggi, cook. Then we'll add sabzi. Very good. ये खड़े खड़े क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। मारे हिबड़ा में नाचे मोर, राइट्स खरीदने पड़ेंगे इनको। जब चैनल स्टार्ट हुआ ना तो मुझे एक्चुअली लग रहा था कि वी विल फक इट अप, अभी मुझे लग रहा है कि वी आर बैक ऑन ट्रैक, टच वुड। पर अभी तक मैंने सोचा था बना बना के बच्चों खिला उला के घर पे होंगी मैं। अभी मसाला ऐड करते हैं क्या? कर सकते हैं, है ना? ओहो, क्यों मस्त लग रहा है ब्रो। 5 मिनट छोड़ते हैं इसे, इसको पूरा प्रॉपर बलने उबलने दो। पानी जब एकदम पूरा बॉयल हो जाएगा ना, हम आग को एकदम कम कर देंगे, मैगी डाल देंगे, सब्जी डाल देंगे, चलाएंगे अच्छे से, उसके बाद छोड़ देंगे। That's the technique. Come on. हो रहा है, हटा दे। अब मैगी डाल भाई, देख। So guys, इसमें पूरा सर्कल है। Just try to put it in the center. Okay. Guys, the most important. What? I thought you were holding it. डाल दो. क्योंकि साइड से गिर जाएगा. हाँ, डालो. ये नीचे में कभी कभी टूटी मैगी इतनी सी मिलती है पैकेट में. इसमें there was like a whole bunch of. इसको रख दूँ यहाँ पे कि घटा दूँ? Ooh, the weight. Eh, we have the perfect amount of water, bro. Look at this. दिखाओ, मुझे चलाने दो. सुन, अगर एक मैगी बनाने में 2 मिनट लगते हैं, तो क्या 100 मैगी बनाने में 200 मिनट लगेंगे? वो कश्ती वाला क्या गा रहा है, कोई उसे भी याद आ रहा है। मैगी में क्या हो गया? कर्ची? क्या? नहीं, कर्ची कर्ची लड़ाई हो जाएगी। नहीं, It's gonna be such a big achievement. We made like 100 maggies. No doubt about it. 100% is gonna be beautiful. Sabzi paki hui hai, to ye agar maggie pak jata hai na, to we can put sabzi alag se. It's happening so. It's super quickly, bhai. It's happening so quickly. छोड़ो छोड़ो बोसा छोड़ो, मैं सब्जी ला रहा हूँ. भाई मेरे से नहीं होगा, कोई आना पड़ेगा. विवेक जल्दी आ. नहीं ऐसे नहीं होगा, बहुत भारी है, बहुत भारी. जल्दी आ विवेक. पकड़, ठीक है? ले ले. Then, sir. One. हटाओ इसको, हो गया. Ooh, look at this, it looks so pretty. It looks like ad वाला मैगी. हाँ, exactly. ये बहुत dense हो गया क्यों ब्रो, इसको नीचे से उठाना पड़ेगा, वेट डालना पड़ेगा इसमें. छोड़ना मत कांसा जी, बिल्कुल ही नहीं छोड़ूंगी. पक्का ना? पक्का रखा है मैंने. Wow, it's I knew it was going to be difficult, didn't think it was going to be this difficult. This difficult, but dude, I'm so happy. This looks yummy, nahi? Yeah, it smells yummy. हमने जो फाइनली टेस्ट किया उसमें नमक थोड़ा कम था, इसलिए हमने ऊपर से नमक थोड़ा ऐड किया. अब हम थोड़ा, ठीक है, डन.
आई थिंक मिक्स हो गया होगा यार, इट्स आल्सो वाटरी ना. सब्जियां एकदम परफेक्टली पकी हुई है सारी सारी. बस नमक और मिर्च में सब्जियां पकी होनी चाहिए. फिर मैगी अलग से बनाओ और उसके ऊपर सब्जियां डाल दो. दिस इज माय न्यू फेवरेट मैगी रेसिपी. बट दिस इज वेरी नाइस. हमने स्टार्टिंग में जो सोचा था उससे बहुत अच्छा बना है. घी का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है. सब्जियां एकदम परफेक्टली कुक्ड है. मैगी जो है ना वो बहुत ही ज्यादा सॉगी हो गई है, ना ही बहुत ज्यादा कच्ची है, एकदम परफेक्टली कुक्ड है. रिस्क सबसे ज्यादा यही था कि इतना सारा क्वांटिटी में जब कुक करना है तो क्वांटिटी किसका कितना डालना है वो थोड़ा चैलेंजिंग था. दो मिनट में एक मैगी पकती है तो तीन घंटे में नहीं पकती है. 100 मैगी. वंस वी पुट द मैगी इट टुक लाइक 10 मिनट्स. एंड अब करते हैं पैकिंग. यस, विदाउट फर्दर अडू लेट्स गो. We have a huge sense of accomplishment right now. Yes, 100%. क्योंकि उतना हमने बहुत lightly ले लिया था, पर halfway through we realized it's not gonna be easy. अभी हम finally हमने कर लिया. And it tastes amazing. Like हमें भी बहुत खाने का मन कर रहा है. And just like all Indian households, बनाने वाला पहले सबको खिलाता है. खिलाता है. मैं life में इतना ज़्यादा खाना तो life में कभी नहीं बनाया. और तूने बोला था ना 12 मैगी बुरी बनी थी तेरी, पर सोच हमने 100 मैगी अच्छी बना ली. सही है, 12 मैगी काफी बुरी बनी थी क्योंकि मैं अकेले ही बना रहा था और इतना बड़ा बर्तन भी नहीं था. अदरवाइज आई एम अ गुड कुक. इतना सा फूड बनाने का स्कीमेटिक्स अलग होता है, पर ज्यादा खाना बनाने का मुझे रियलाइज हुआ अलग होता है. सही में मेन तो वही है ना कि कितना क्वांटिटी क्या डालना है वो आपको अंदाजा ही नहीं है. जब आप 2 मैगी बनाते हो तब आपको पता है कि इतना पानी डालना है, इतना मसाला डालना है. Finally, we have packed all 100 Maggies. बहुत मजे आए हैं. Hug from here. Whatever. ऐसे से घी और मैगी मसाले की स्मेल आ रही है कि मैं इसके नजदीक नहीं जाना चाहूंगी. मैं अगर किसी के नजदीक जाऊंगा तो मुझे कोई खा लेगा. Because we smell delicious. We smell delicious. तो overall experience काफी सही था, बहुत मजा आया. एंड आकांक्षा जी को मैं दिल से तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करी. नाउ वी आर वेटिंग फॉर द एनजीओ पीपल टू कम एंड कलेक्ट दिस. तो ये हमने पैक तो कर दिया, बस इसमें थोड़ी टेपिंग बची है ताकि ये स्पिल ना हो जाए. All I wanna say is बहुत प्यार से बनाया and I hope they like it. और if you like the video, then you know what to do. Hit the like button, share with your friends, comment down below and don't forget to subscribe too. Okay, taste it. और प्लीज हमें कमेंट में ये बताइए कि अगली बार हम क्या बनाएं बल्क में, क्योंकि हमें बल्क में बनाना पसंद है. बल्क बल्क थोड़ा बड़ा नहीं बनाते हम यार. कहां से जो लगा हुआ है थोड़ा रगड़ के खा लें.